नमस्कार दोस्तों, आप सभी का JKITI मंत्रा YouTube चैनल में स्वागत है। BARC का नेक्स्ट प्रोसेस क्या रहने वाला है? वेटिंग कितनी क्लियर हो सकती है? कब तक क्लियर हो सकती है? मेडिकल कैसे होता है उसका? और नेक्स्ट जो आगे अब क्या होने वाला है, क्या होगा, वो कम्प्लीटली इस वीडियो में बात करने वाले हैं। रिक्वेस्ट है, चैनल पर यदि पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको इसी प्रकार की अपडेट्स मिलती रहती हैं। साथ में नॉन टेक पार्ट्स की यहाँ तैयारी करवाई जाती है। वीडियो को लाइक करना है, और यदि आप किसी ग्रुप्स में जुड़े हैं तो वहाँ शेयर कर दीजिए। आपका जो सपोर्ट होता है उसकी हमें ज़रूरत है। यदि आप सपोर्ट करते रहेंगे तो आपको फ्यूचर जो अपडेट्स आएगी मेल और वगैरह, वो आपको भी यहाँ बताएंगे। कैसे आगे जो बॉन्ड और भरना है वो भी इसमें आपको आगे बताएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। लाइक कर दिया होगा, शेयर भी कर दीजिए। देखिए क्या है, BARC की मैंने ये दो टॉपिक लिखे हैं, लेकिन थोड़ा इससे डिटेली बात करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले तो मैं आपको बता दूं, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, आपको पता होगा, BARC डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंतर्गत आता है, ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार के अंडर आता है। और इसमें आपकी K2 की जो वैकेंसी है उसके बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। वेटिंग और हर ट्रेड की बात करेंगे, किसमें कितनी वेटिंग। लेकिन उससे पहले मेडिकल की बात कर लेते हैं कि मेडिकल आपका कैसा होता है। तो मेडिकल में देखिए क्या है, लो विजन में कहा है कि इससे है ना ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, इनकी 6x18 इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और 20 आपकी 22x60 इससे भी यानी कि कम नहीं होना चाहिए, लेस देन, है ना। ये आपको ध्यान रखना है, यानी कि आपकी चश्मा लगा हुआ है तो चल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, नॉर्मली आपकी चलेगा, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। यदि हम बात करें हियरिंग यानी कि हार्ड ऑफ हियरिंग की, तो इसमें देखिए क्या है, पर्सन हैविंग 60 से 70 डेसिमल आपकी नॉर्मली चलेगा, तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, नॉर्मल मेडिकल होगा। आपको जो हेडफोन टाइप के होते हैं ना वैसे वो लगाएंगे आपकी, और साउंड ऐसे प्ले करते हैं, नॉर्मली छोटा सा साउंड प्ले करते हैं, उसमें उसकी जो स्पीड होती है यानी कि आवाज़ होती है, वॉल्यूम होती है, वो बढ़ाई भी जाती है, फिर कम कर दी जाती है। कितनी आपको कम सुनाई दे रही है, कितनी आपको ज़्यादा सुनाई दे रही है, तो ज़्यादा तो नॉर्मली सबको सुनाई दे ही जाती है, कम में देखते हैं कितनी यानी कि स्लो है फिर भी आपको सुनाई दे रही है। और फिर ये चेक होने के बाद चेक करते हैं कि आपके ना दोनों कानों में से एक में ना आवाज़ प्ले करेंगे, तो पूछेंगे राइट में है या लेफ्ट में, कौन से वाले में आपको सुनाई दी, तो आपको वो बताना है। तो नॉर्मली ये भी नॉर्मल है दोनों, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। फिर देखिए हाइट, इसमें कहा है कि आपकी जो है उसमें 4 फीट 10 इंच भी चलेगी एक अडल्ट की, जिसे आप बोना बोलते हैं ना यानी कि, तो उसकी भी चलेगी। और ये आपकी फिजिकल स्टैंडर्ड यदि किसी की बात करें ट्रेनिंग स्कीम में, तो ये सही है, नॉर्मल ये वाला है कि आपकी कितनी होनी चाहिए, लेकिन इससे कम है थोड़ी बहुत तो चल जाएगी। 45.5 किलो वजन आपका होना चाहिए, 160 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, 160 यानी कि लगभग 5 फुट 5 इंच के आसपास होती है, आई थिंक, है ना, तो ये इसी के आसपास चलेगी, तो 160 चलेगी। इससे थोड़ी बहुत कम होती है, 169 यानी कि 159 या 158, तो वो भी आपकी चलेगी, एक्सेप्ट हो जाएगी, इसमें आपको घबराने की बात नहीं है। यदि थोड़ा और फिजिकल के बारे में आगे बढ़ें, तो एक बार ये हटा देते हैं, और फिजिकल के बारे में थोड़ा सा यानी कि थोड़ा मैं मेडिकल के बारे में जो जानता हूँ वो बताऊंगा। पहले इसमें आपकी BP चेक होती है, यदि आपकी ज़्यादा है या कम है तो आपको कहेगा नेक्स्ट फिर से होगी, तो आपको घबराना नहीं है, आपको चेक हो जाएगी, एकदम एक्यूरेट हो जाएगी। फिर आपकी जो होती है होगा आई टेस्ट, ये लिख लीजिए। कलर ब्लाइंडनेस इसमें नहीं है, नॉर्मली यानी कि चल जाएगा, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, यानी कि नॉर्मल मेडिकल है, यानी कि वो हाई लेवल वाला नहीं है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल मेडिकल होगा। फिर देख लेते हैं, यानी कि मैंने कान का कह दिया, हियरिंग वाला होगा तो ये वाला भी आपका होगा। फिर यदि बात करें आगे, आपकी शुगर चेक हो जाएगी, और छोटे छोटे जो मेडिकल है आपके यूरिया टेस्ट वो भी हो जाएगा, और फिर आपके ब्लड जांच होगी। तो ये नॉर्मल जो मेडिकल हर में होते हैं, जैसे कि NTPC में होता है, और जो भी अप्रेंटिसशिप वाला होता है उसमें होता है, रेलवे में होता है, तो वो नॉर्मल वाले होंगे, इसमें कोई आपको घबराने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल हाइट। फिर आपकी जो चेस्ट है वो वाली चेस्ट यानी कि आई थिंक मुझे लगता है 75 से 80 या ऐसे ही कुछ लेते हैं, यानी कि 72 से 80 मान लीजिए, 70 से 80 के बीच वाली लेते हैं रेंज, यही है कि 70 आपकी बिना फुलाई होनी चाहिए, और फुलाने के बाद 5 सेंटीमीटर यदि आपकी फूल जाती है तो आप एकदम स्वस्थ है, जिसे बोलते हैं हेल्थी पर्सन है, ये वाला आपकी चलेगा। और फिर आपको पता है हार्ट और ये सारी आपकी चेक हो जाएगी। यदि हम मेडिकल के बाद की बात करें, तो मेडिकल के बाद ये देखिए इसमें लिखा है
कि आपकी ट्रेनिंग पूरी हो जाएगी ना, तो उसके बाद आपको क्या मिलेगा, तो ये थोड़ा बात कर लेते हैं। इसमें देखिए टेक्निकल ऑफिसर सी है, उसकी देखिए यहाँ एज डाल दी है। चलो आगे बढ़ते हैं, ये थोड़ा बीच में ऐसे ही आ गया ना, वाला दिखाने के लिए था कि हाइट कितनी चाहिए और मैं इसमें। और अब मैं थोड़ा उस पर बात कर लेता हूँ, ये वाला यहाँ पे थोड़ी सी कि है ना, आपकी जो कैटेगरी ट्रेनिंग पूरी हो जाएगी उसके बाद, तो इसमें क्या है, कैटेगरी वन में क्या है, साइंटिफिक असिस्टेंट है, जिसको लेवल 7 में रखेंगे। लेवल 7 देखिए, जिसकी बेसिक शुरू होती है 44,900 से, तो 44,900 तो ये है। फिर उसको मिलेगा अभी जो 50 या 53% डीए चल रहा है, तो एक बार 50 मान लेते हैं, तो इसका 44 का लगभग ये कितना हो गया, 45 का आधा कितना होता है, तो आधा डीए मिलेगा। 22.5 यानी कि एक बार 22 मान लेते हैं, 22,500 ये इसको मिलेगा। और इससे करके थोड़े अलाउंस एचआरए और सारे मिलेंगे, तो क्या हो गया, कितनी सैलरी जा रही है, लगभग 70,000 के आसपास सैलरी जा रही है इनकी, तो ये इनको मिलेगी। फिर यदि हम बात करें कैटेगरी 2 वालों की, तो कैटेगरी 2 में देखिए 2-3 है, प्रमोशन होंगी। इसमें क्या है कि पहले तो आपका इंटरव्यू लिया जाएगा, ट्रेनिंग के बाद क्या होता है, नॉर्मल इंटरव्यू होगा। तो यदि आप इंटरव्यू में थोड़े कम नंबर लाते हैं, तो आपको टेक्नीशियन B बना के लेवल 3 में रख दिया जाएगा, जो कि आपका लेवल अभी 3 है उसमें ही रख दिया जाएगा। उसमें आपको 21,700 मिलेगी बेसिक, उसका 50% अभी DA है, तो आपकी ट्रेनिंग पूरी होगी। तो वैसे तो 8वां जो है ना वो आ जाएगा वेतन आयोग, अभी 7वां चल रहा है, पे मैट्रिक्स का 7 लेवल चल रहा है, अभी 7वां और 8वां आ जाएगा उसमें, तो 8वें में सैलरी बढ़ जाएगी। लेकिन इसमें जो दे रखा है उस पर बात कर लेते हैं, यदि लेवल 3 में रखें तो आपको 21,700 मिलेगी, 21,700 का आपके 50% वैसे करके लगभग 35-37 हज़ार आपको इसमें मिल जाएगी, आपको यदि टेक्नीशियन B बनते तो। लेकिन आपको कोशिश करनी है कि आप बने टेक्नीशियन C। टेक्नीशियन C में लेवल 4 रखेंगे, लेवल 4 की 25,500 बेसिक है, 25,500 इसकी आपको 12.5 मान लीजिए, एक बार 12.5 आपको मिलेगी DA, और फिर अलाउंसेज और ऐसे करके आपको कितने मिल जाएगी, तो लगभग 40,000 आपके कैश इन हैंड आ जाएंगे। और यदि आप टेक्नीशियन D बनते हैं, डी इसमें क्या है ना, डी वाला है कि सी वाला डी बनेगा 1-2 साल की, यानी कि 3 साल बाद प्रमोशन होता है, तो 3 साल बाद आप डी बनेंगे। यदि बी वाला 3 साल बाद सी बनेगा, ऐसे है। और ये वाला आगे प्रमोशन डी वाले का कैटेगरी 1 में ऐसे प्रमोशन हो जाएगा, तो ऐसे होगा ना, तो समझ गए होंगे। इसमें क्या है, डी वाले को 5वें लेवल में रखेंगे, जिसकी 29,200 है, तो एक बार मान लेते हैं 30 के और 30 यानी कि आप आधी यानी कि 45 के इसकी हो जाएगी वैसे, अभी नॉर्मली 45 की हो जाएगी, यानी कि उसको ओवर अलाउंसेज मानकर एक बार 45 से 50 के बीच में कैश इन हैंड मिल जाएगी फर्स्ट सैलरी। ये वाली है कैटेगरी सेकंड की बात। आगे यदि थोड़ा हम और इसमें बॉन्ड की बात करें, क्योंकि बॉन्ड आपसे भरवाया जाएगा, तो बॉन्ड क्या होता है कंप्लीटली इसमें जान लीजिए। हर कोई डिपार्टमेंट यानी कि अपन चाहे तो आपसे बॉन्ड ले सकता है, यानी कि उसी डिपार्टमेंट में बॉन्ड होता है जिसमें ट्रेनिंग स्कीम होती है। ट्रेनिंग स्कीम क्या होती है, इसमें नॉर्मली ये कहते हैं कि यदि हमने आपको 2 साल 1 साल की ट्रेनिंग दी है, कुछ सिखाया है, तो हम चाहते हैं कि उस ट्रेनिंग का हमें भी कुछ फ़ायदा मिले 1-2 साल। यदि 2 साल की ट्रेनिंग है, तो कम से कम 3 साल तो हम भी आपका फ़ायदा उठाएं, आपसे काम करवाएं, जो ट्रेनिंग आपको सिखाई है उसके बदले हम भी तो कुछ आउटपुट लें। तो बार्क ऐसा ही कर रहा है, 2 साल की आपको ट्रेनिंग दे रहा है ना, तो इसमें क्या कह रहा है, वो 3 साल आपको और रखेगा, यानी कि 2 साल ट्रेनिंग वाले, 3 साल वो, 5 साल तक आप बार्क को छोड़ नहीं सकते। यदि छोड़ते हैं तो आपको जो सैलरी मिली है वो वापस देनी है जितने टाइम आप छोड़ते हैं, और उसका जो ब्याज है इंटरेस्ट है वो भी आपको देना है। ऐसा करके आपसे एक फॉर्म भरवाया जाएगा पहले, उस पर साइन करवा लिया जाएगा कि यदि मैं छोड़ता हूँ तो मैं ये दूंगा। छोड़ने की कई वजह हो सकती है, जैसे कि आपका इसरो में सिलेक्शन हो गया, आपका कहीं और यानी कि जो आपका फेवरेट डिपार्टमेंट है वहाँ सिलेक्शन हो गया, या फिर आप कोई बड़ी यानी कि जॉब लग गई, जैसे कि आपकी SSC आपकी CGL में आती है, उनमें कहीं आपकी यानी कि जो फेवरेट जॉब है आप उसमें लग गई, या फिर आप अपने राज्य में लग गई कोई ऐसी नौकरी जिसमें आपकी बार्क से ज़्यादा सैलरी है, तो आप क्या चाहेंगे कि मैं बार्क को छोड़ दूँ। रेलवे में लग गई, ALP टेक्नीशियन जो भी, तो आप बार्क को छोड़ना चाहेंगी। छोड़ने की कई रीजन हो सकते हैं, तो उसमें आप क्या करेंगे, ये बॉन्ड फिल करेंगे। पहले आपका साइन हो चुका होगा ज्वाइनिंग टाइम, तो आपको बाद में फिल करवा लिया जाएगा। तो ये सिंपल बात है, बॉन्ड की यही बात करेंगे। और इसमें देखिए थोड़ा सा यहाँ ये वाला क्या देर का है, ये नॉर्मल 2 पॉइंट है जो आपको ध्यान रखने कि द वैलिडिटी ऑफ पेनल, यानी कि जो वेटिंग लिस्ट में है ना उन पर बात करेंगी। वेटिंग वाले में क्या बोल रहे हैं कि जो वेटिंग वाले हैं उनके लिए क्या गया है, पेनल विल बी 1 ईयर, यानी कि 1 साल रहेंगी फ्रॉम द डेट ऑफ प्रिपरेशन ऑफ पेनल, यानी कि जिस दिन पेनल आपका तैयार हुआ ना, सेलेक्ट पेनल, उससे 1 साल इसकी वैलिडिटी रहेगी। कैंडिडेट्स आपकी अंडर द वेट लिस्ट, यानी कि जो वेटिंग लिस्ट में बच्चे हैं उनको अपॉइंटमेंट ओनली इन केस कैंडिडेट द सेलेक्ट पैनल नॉट जॉइन डज नॉट जॉइन।
है कि आपके दो पैनल बने हैं, एक तो सेलेक्ट पैनल वाला बनाया और उसके नीचे बनाया वेटिंग लिस्ट का, यूआर का सेलेक्ट पैनल, यूआर का वेटिंग। यदि सेलेक्ट पैनल वाले कोई बच्चे किसी कारणवश ज्वाइन नहीं कर पाते हैं तो वेटिंग वालों को बुलाया जाएगा। अब वेटिंग पर थोड़ा मैं डिटेल से बात करूंगा क्योंकि वेटिंग में भी बहुत सारे बच्चे हैं, तो किन का क्लियर हो सकता है। यदि आपका वेटिंग में नाम 15 नंबर तक है ना, 1 से लेकर 15 तक, तो आपकी बहुत चांस है वेटिंग में क्लियर होने की। यदि आपकी वैकेंसी अच्छी, यानी कि मैं बात करूँ ओबीसी की, यूआर की, तो आप एक बार 15 तक यदि आपका नाम है तो आप एक बार चांस बना के रखें, आपको भी मेल आ जाएगा, आपको भी ज्वाइन करने का मौका मिलेगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि देखिए, अब ओबीसी की यदि हम बात करें तो जो टॉपर बच्चा है ना, वो टॉपर वन वाला बच्चा मान लेते हैं एनवीएस में लगा हुआ है, मान लेते हैं इसरो में लगा हुआ है, मान ली किसी पावर ग्रिड में लग गया, पीजीसीएल में लग गया, और किसी में जो एग्जाम उसने दिया है, यानी कि बार के साथ साथ और भी तो एग्जाम हुए थे, कहीं और लग गया, या फिर डीआरडीओ में लगा हुआ था, यानी कि उसने फॉर्म भरा बार का और पेपर दिया, लेकिन अब उसका लिस्ट में नाम है फिर भी वो ज्वाइन नहीं करेगा, या फिर किसी और वैकेंसी में यूपीपीसीएल में लग गया और या हरियाणा लाइनमैन में लग गया, तो वो चाहेगा कि मैं बार को ज्वाइन ना करूँ क्योंकि इसके मेन रीजन है बॉन्ड, और तो इनको छोड़कर वो इसमें ज्वाइन रहेगा, और उसने पेपर दिया था, स्किल दिया था। एक दो ऐसे मेरे भी ध्यान में बच्चे हैं जो कहीं लगे हुए हैं, उन्होंने स्किल दिया, उनका सेलेक्ट लिस्ट में नाम है, तो वो ज्वाइन नहीं करेंगे, तो आपको मौका मिलेगा। अब ज्वाइन नहीं करेंगे वो बार को कैसे पता चलेगा, तो इस पर एक बात कर लेते हैं, या फिर पहले ये वाला बात करें, चलो इसी पर बात करेंगे। क्या है इसमें, अब आपको क्या आएगा, डायरेक्ट आएगा एक्सेप्टेंस लेटर या फिर मेल, लेटर में ही मेल होगा, यानी कि एक पीडीएफ फॉर्मेट में आ जाएगा मेल पे, और उसमें लिखा होगा कि क्या आप बार्क को ज्वाइन करने का, जो हम आपको ऑफर लेटर सेंड करें, क्या उसे एक्सेप्ट करते हैं। तो जो ज्वाइन करना चाहता है उसे लिखना है, हाँ मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, या फिर मैं बार्क को ज्वाइन करना चाहता हूँ, इसे बड़े बढ़ा चढ़ा कर 2-4 लाइनों में लिखकर आप उसे सेंड करेंगे मेल, रिप्लाई करेंगे मेल का। आपको जिस लैंग्वेज में रिप्लाई करना है उसमें कर सकते हैं, हिंदी इंग्लिश जो भी आपको अच्छी लगी लैंग्वेज, जैसे आप लिखना चाहिए एक्सेप्ट कर लेंगे। जो नहीं करना चाहता, यानी कि कहीं मान लेते हैं कोई इसरो में लगा हुआ है और वो ज्वाइन नहीं करना चाहता, तो वो क्या कहेगा, मैं ज्वाइन नहीं करना चाहता, तो वो रिप्लाई कर देगा कि मैं ज्वाइन नहीं करूंगा, ये और लिख देंगे। तो अब देखिए, इस बच्चे ने ज्वाइन नहीं किया ना, अब वेटिंग वाले में चलेंगे, मान लेते हैं ये ओबीसी में बच्चा है जो ज्वाइन नहीं करेगा, उसका नंबर है 121 नंबर पे है या फिर 115 नंबर पे, अब ये ज्वाइन नहीं करेगा, एक सीट हो गई खाली, तो वेटिंग में जो पहले वाला बच्चा है उसको मेल भेजा जाएगा, वो ज्वाइन करता है तो ठीक है, नहीं वेटिंग वाले दो को भेजा जाएगा, तो मुझे लगता है वेटिंग वाले सारे ज्वाइन करने के लिए रेडी हैं। तो इस प्रकार से ये एक्सेप्टेंस लेटर काम करेगा, और फिर एक्सेप्टेंस लेटर का जो पीडीएफ है उसको भी आपको यानी कि डाउनलोड करना है, उसमें भी आपको जो साइन और एक्सेप्ट को कुछ लिखना है, जो फॉर्मेट दिया होगा उसमें कुछ लिखना है, और उसी का यानी कि पीडीएफ बना के फिर आपको उसको मेल कर देना है, और फिर कुछ टाइम बाद एक्सेप्टेंस लेटर वो बाई पोस्ट भी आ जाएगा, लेकिन पहले मेल से आएगा। तो ये वाली बात हो गई। अब इसमें देखिए दो पॉइंट, दूसरा वाला पॉइंट रह गया आई थिंक, दूसरे वाले में क्या लिखा है कि सेलेक्ट कैंडिडेट आर लेबल टू सर्व, यानी कि जो सेलेक्ट पैनल है वो भारत के किसी भी कोने में ज्ञान की दिए जा सकते हैं नौकरी करने के लिए, तो आपको कुछ इसमें ध्यान नहीं देना है, जहां आपको ड्यूटी मिलती है वहां आपको ज्वाइन कर लेना है, सिंपली बस इसी पर बात करेंगे। आगे यदि बात करते हैं कि अब क्या होगा, यानी कि नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, तो प्रोसेस की यदि हम बात करें ना, तो प्रोसेस में क्या होगा, पहले तो एक्सेप्टेंस लेटर आएगा, उसे एक्सेप्ट करना है, और एक्सेप्टेंस लेटर के साथ साथ आपको जो भी आएगा यानी कि उसका रिप्लाई आने के बाद आपको कह दिया जाएगा कि ये लो इस तारीख को आ जाना, आपके एडमिशन शुरू हो जाएंगे, जो आपको डेट दी होगी उस पर आपके, मान लेते हैं आपको डेट दी जाती है 10 दिसंबर, क्योंकि जो आरएसी और ट्रेड थी ना उनको 10 दिसंबर दी है कि इस 10 दिसंबर से आपकी एडमिशन होगी, तो आ जाना आप ये डॉक्यूमेंट लेके इस जगह आ जाना, जगह भी लिखी हुई है डायरेक्ट, वहां पहुंच जाना और फिर आपकी एडमिशन होगी, एडमिशन होंगी और 10 दिसंबर को, और 11 दिसंबर से उनकी ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी। और लिखा हुआ है कि मेडिकल जो टेस्ट है ना, मेडिकल टेस्ट वो आपका ट्रेनिंग के टाइम ही लिया जाएगा, ड्यूरिंग द ट्रेनिंग पीरियड, यानी कि जो जैसे जैसे ट्रेनिंग चलती जाएगी आपका मेडिकल हो जाएगा, ये 11 दिसंबर से उनकी ट्रेनिंग शुरू है। तो ऐसा ही कुछ आपके भी होने वाला है, आप सब्र रखिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। यदि आपका कोई क्वेश्चन है तो आप लिखवा सकते हैं। एक फॉर्मेट वाला रह गया ना, फॉर्मेट पर यदि बात करें ना, फॉर्मेट तो देखिए आपकी जो बार्क का जो वैकेंसी आई थी उसमें एक पीडीएफ आई थी, उसी में वैकेंसी लिखी हुई थी, एडवर्टाइज नंबर आपको याद होगा, वो पीडीएफ डाउनलोड कर दीजिए, उसके नीचे जाइए ओबीसी एससी एसपी
ईडब्ल्यू, इन चारों को बनवाना है फॉर्मेट। फॉर्मेट क्या है, आपने एक राज्य सरकार, केंद्र सरकार, जो भी आपकी सरकार है, वो आपको एक सर्टिफिकेट बना देती है कि हाँ ये बच्चा ओबीसी में, ये एससी में, ये ईडब्ल्यू का, इसी करके लिख कर देती है और खुद साइन करते हैं। यानी कि यदि हमारे राजस्थान की बात करें तो यहाँ साइन होते हैं एसडीएम के, एसडीएम साइन करते हैं। अब वो क्या हो गया, अप्रूवल हो गया, एक फॉर्मेट वो पहले से देते हैं, हर वैकेंसी में काम आता है। लेकिन बार वाले कह रहे हैं कि हमें वो वाला फॉर्मेट नहीं चाहिए, हम अपना एक अलग से फॉर्मेट बनाएंगे, उसमें आपका नाम लिखा होगा, आपके फादर का नाम लिखा होगा, फिर आपकी एड्रेस लिखा होगा और लिखा होगा कि आप कौन सी कास्ट से हैं और वो कास्ट किस में आती है। जैसे कि नॉर्मली बात करें, यानी कि ब्राह्मणों की बात करें तो शर्मा, शर्मा कास्ट क्या आती है, शर्मा आपकी ब्राह्मण आती है, ब्राह्मण ब्राह्मण कास्ट में आती है। ये ब्राह्मण कास्ट न तो ओबीसी में आती है, न एससी में आती है, न एसटी में आती है, लेकिन इनकी हम इनकम है ना 8 लाख से कम है, और इनके पास जो आपने सेंट्रल लिस्ट में आपने जो बताई है ना, उतनी न तो जमीन है, न इनकी संपत्ति है, तो ये क्या होते हैं, ईडब्ल्यूएस में आ रहे हैं। तो ऐसा बार्क ने एक फॉर्मेट जारी किया जो आपको एडवांटेज के लास्ट में मिल जाएगा, आप जो साइबर कैसे होते हैं ना, वहाँ से डाउनलोड करवा सकते हैं। अब उस फॉर्मेट में जो आपका ओरिजिनल सर्टिफिकेट है जो आपने पहले बनवा रखा है, उसी को देखते हुए आपको उसके सर्टिफिकेट के नंबर फिल करने हैं, उसी को देखते हुए उसकी जो इश्यूइंग डेट है, यानी कि किस दिन जारी किया गया, वो तारीख लिखनी है, फिर आपको अपनी डिटेल्स उसी में से देख के भरनी है। सेम उसकी जैसा ही है, बस आपको यानी कि बार का जो फॉर्मेट है उसी में लिखवा लेना है। फिर नीचे होगा, नीचे तीन आपको ऑप्शन मिलेंगी, सील ऑफ डिपार्टमेंट, यानी कि डिपार्टमेंट की सील, उसका साइन, और यहाँ उसकी आपकी एक फ़ोटो लगेगी, उस फोटो पर एक अटेस्टेड की मोहर। अब देखिए ये कैसे होगा, तो ये आपको जाना है, जो आपका सर्टिफिकेट है उस पर साइन है ना उसी डिपार्टमेंट, जैसे कि राजस्थान की बात करें, राजस्थान के ईडब्ल्यूएस में एसडीएम के साइन होते हैं, तो आपको जाना है एसडीएम ऑफिस। तो एसडीएम ऑफिस जब आप जाएंगी तो आपको एप्लीकेशन लिखवाई जाएगी, ये एप्लीकेशन लिखेंगी कि मेरा यहाँ सिलेक्शन हो गया है, मुझे फॉर्मेट में चाहिए, तो आप कर दीजिए, तो वो आपको एसडीएम कहेगा कि आप ऐसे करके लेके आ जाओ, फोटो चिपका के और ये फिल करके लेके आ जाओ। जैसे ही आप जाओगे तो वहाँ साइन कर दी जाएंगी एसडीएम की, फिर एसडीएम अपनी मोहर लगा देगा, यानी कि जो आपकी उप कलेक्टर ऐसे करके कुछ मोहर होती है उसकी, वो लगा देगा, और आपकी जो फोटो है उस पर भी एक मोहर लगा दी जाएगी। इसी करके आपका फॉर्मेट हो जाएगा रेडी, आप अभी करवा लीजिए, मेडिकल जो ज्वाइनिंग है उस टाइम काम आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, मैंने अपना जो मेरे पास नॉलेज है, जो एक्सपीरियंस है, वो मैंने आपके साथ शेयर किया है। आई होप आपको पसंद आया होगा, सब्सक्राइब करना ही है, कर लीजिए, और लाइक शेयर की उम्मीद आप ही से है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।